Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. And in today's video, we are going to be covering five factors that should influence your university selection. This is going to be more UK university centric. If you're somebody who is planning to study or do your masters in UK, this video is for you. Make sure you watch it till the end because this is going to be a very, very important video. I can promise you that. I get daily messages of students, aspiring students, or they ask which university should I select. They have so many doubts. They have offers from Exeter, Liverpool, and so many other universities, and they're confused to which one to select and how to select, what should be the criteria, what should be the factors. So today I'm going to be sharing top five factors that you should be considering before you choose a university. The first factor being the ranking of the university depending on your chosen field. So say if you're planning to do masters in, take an example of business analytics. Basically, tum basic search, Google search karna hai, top 10 universities in UK for business analytics. Okay, once you have done that, aapko bahut sare links mil jayenge, alag alag website pe alag alag ranking bhi hogi. To that's why, you know what I suggest, ki Russell Group University select karo. Bahut log mujhe puchte Russell Group hi karna important hai kya, hame dusre yahan se scholarship mil rahi hai. Make sure you do not leave a good offer which is in a Russell Group in a highly prestigious university, because not everybody can afford it and not everybody gets into it. So if you're getting an offer from a nice Russell Group university, kuch £1,000 ke liye idhar udhar कुछ भी यूनिवर्सिटी में मत करो मास्टर्स प्लीज. ओके, एक बार आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप डिफरेंट वेबसाइट से कंपेयर कर लो. अगर आपको रसल ग्रुप, इफ़ यू आर नॉट कन्विंस्ड विथ माई सजेशन ऑफ रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी, यू कैन गो एंड कंपेयर कर लो. आप अपने टॉप 10, टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर लो. आप फिर उसमें से सिलेक्ट, फिर उसमें से आपको जाना है उनके वेबसाइट पे, आपको उनके कोर्सेज बेसिकली कंपेयर करना है डिफरेंट फैक्टर्स पे जो मैं डिस्कस करूँगी आगे. सो ये आपको होना चाहिए फर्स्ट स्टेप. ठीक है, सेकंड स्टेप यानी कि सेकंड फैक्टर जो इफेक्ट करना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में, होना चाहिए कोर्स मॉड्यूल. ओके, सो वंस यू हैव नैरो डाउन की ठीक है ये टॉप 10 है, ये टॉप 5 है, दीज आर द यूनिवर्सिटीज जो मुझे अच्छी लग रही है, नाउ यू नीड टू पिक आउट द मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स का मॉड्यूल्स निकाल लो आप. ठीक है, ट्राई टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो आप बिजनेस एनालिटिक्स का मॉड्यूल्स निकालो. नाउ यू सी, उसको कंपेयर करो, किस में ज़्यादा डाइवर्सिटी है, किस में ज़्यादा लर्न करने मिलेगा, किस में कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, किस में सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं, प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, किस में आपको बिजनेस साइड का एक बैलेंस है. यू नो, दीज आर योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, या आपके रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए. कोई भी आपको कह देगा इसका मॉड्यूल अच्छा है, दैट डजंट मीन उसका अच्छा है. ये आपके, यू नो कहते हैं ना, दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव काइंड ऑफ अ थिंग. तो आपको अपने से देखना है कि आपको कौन सी मॉड्यूल ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, कौन सी ज़्यादा इंसाइटफुल लग रही है, एंड उसके बेसिस पे आपको फिर अगेन शॉर्ट डाउन करना है अपनी लिस्ट. तो अगर आपने टॉप 10 निकाल लिया था, अब मॉड्यूल्स के बेसिस में टॉप 5 कर दो उसको और फिल्टर कर दो लिस्ट. राइट, थर्ड फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फाइनेंस यानी कि फंडिंग्स. आप अपने स्टडीज़ फंड कैसे करोगे और फीस के, मतलब कितना वेटेज फीस को देना चाहिए और कितना नहीं. सो देर वॉज वन गाय हु केम टू मी एंड ही वॉज लाइक, आई एम गेटिंग अ स्कॉलरशिप फ्रॉम अ नॉन रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी, बट आई हैव ऑल्सो गॉटन इन टू रसल ग्रुप जो मुझे स्कॉलरशिप नहीं दे रही है. नाउ द थिंग कम्स इन कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, कैन यू अफोर्ड अ रसल ग्रुप जिसका डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं होगा, आई थिंक 5-7,000 pounds ही कुछ ज़्यादा होगा. बट देन इफ यू आर इन्वेस्टिंग, आई से इफ यू आर इन्वेस्टिंग तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आई डोंट थिंक उससे फ़र्क पड़ना चाहिए. आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, ये आपका सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए. बट सेइंग दैट, इट डजंट मीन कि आप फाइनेंसेस और फंडिंग, जो आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ है उसको नज़रअंदाज करो, उसको फाइनेंस को लेके, गुड यूनिवर्सिटी को लेके, कोर्स मॉड्यूल को लेके, ये तीनों चीज़ को आपको इक्वली इंपॉर्टेंस दे के साथ में चलना है. कहीं एक दो चीज़ में अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको देखना है कि अब ये तीनों में से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. वो कोई आपको बता नहीं सकता, वो आपका डिसीजन होता है. राइट, सो बिफोर गोइंग अहेड इन द वीडियो, इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू द यूके एंड यू हैवंट बुक्ड अकोमोडेशन येट,
But don't worry, your girl has got you. Let me introduce you to Uniaco. Uniaco is a global student accommodation platform for students with over 3 million beds and a presence in more than 10 countries. It has 10,000 plus properties, 6 million plus students from 145 plus countries have already used this website. I absolutely love the policies like no university, no pay, no deposit, together with its free of charge services. This isn't all, you also get a chance to win from Uniaco. Cashbacks, Amazon vouchers, and a lot more. They have all sorts of room types, studios, en-suites, non-en-suites, twin studios, and so much more. And all the amenities as well, like laundry, gaming room, etc. Group bookings have huge discounts on them. More details are in the description. Make sure that you refer a friend and you will get a chance to win £100, which is so amazing, isn't it? Make sure you check out the description, and now let's move forward in the video. The fourth one, and जो बहुत लोग पूछते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, कौन सी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा है, किस में कम है, कोई यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स, बहुत लोग मुझे पूछते प्लेसमेंट्स कितने हैं, क्या है. सो लेट मी टेल यू, मास्टर्स के बाद आपको प्लेसमेंट्स कुछ कोर्सेज ही देते हैं, सब नहीं देते. तो आप जब अप्लाई करते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसमें ये जो आपका कोर्स है ये आपको प्लेसमेंट ऑफर करता है कि नहीं. ओके, सो दैट इज समथिंग पहले ही कंसिडर कर लेनी चाहिए, ठीक है. नाउ हाउ टू गेज की जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी कि नहीं कोर्स करने के बाद, द बेस्ट वे इज टू गेट इन टच विद अल्यूमनाइज ऑफ दैट यूनिवर्सिटी दैट यू हैव शॉर्ट लिस्टेड. ओके, एटलीस्ट 5 अल्यूमनाइज से आप कनेक्ट करो लिंक्डइन पे, कुछ नहीं तो 5, एक दो से बात करके कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं तो 5 करो, 5 पर्सपेक्टिव लो. कोई कुछ कहते दैट डजेंट मीन दैट इज 100% करेक्ट, लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट. जो 100% कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसको 100% कंज्यूम मत करो, अपना भी थॉट लगाओ. तो 5 लोग 5 पर्सपेक्टिव बोलेंगे, उसमें से चारों बार अगर कुछ चीज़ रिपीट हो रही है दैट मीन्स इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ ट्रूथ इन इट, राइट. तो 5 लोग से तो एटलीस्ट कनेक्ट करना है आपको वो यूनिवर्सिटी के, एंड उनसे पूछो कोर्स कैसा है, कोर्स मॉड्यूल्स कैसे है, टीचिंग कैसी होती है. आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट इफ अ यूनिवर्सिटी इज़ गुड फॉर यू और नॉट, राइट. एंड द लास्ट पॉइंट, डोंट लिसन, आई रिपीट, डोंट ब्लाइंडली लिसन टू योर कंसल्टेंट्स, एजेंट्स जिनके पास आप जाते हैं, जो आपको एडवाइस देते हैं ये यूनिवर्सिटी में जाओ, ये यूनिवर्सिटी में जाओ, उनकी ब्लाइंडली कभी नहीं सुनना है, कभी नहीं. दीज पीपल डोंट केयर अबाउट यू ऑनेस्टली, जितना भी आपको दिखा दे. आपको समझना है कि आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो अपने स्टडीज में, राइट, एंड यू नीड टू हैव द राइट गाइडेंस. एंड इन पे आपको 100% अगर आप ट्रस्ट करने लग जाओगे तो गया, आई एम टेलिंग यू. मेरे टाइम पे मेरी जो एजेंट थी उसने मेरा वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर दिए थे. मैं उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके वट एवर शी यूज टू से आई यूज टू डू इट, बट सब चीज़ मैंने खुद की थी. बट एक चीज़ जो मैंने उससे सुन के उसके साथ बैठ के वीज़ा एप्लीकेशन किया, वो उसने मुझसे 3-4 मिस्टेक तो आराम से करवा दिए थे. इफ़ यू आर इन डाउट, डोंट ब्लाइंडली लिसन टू योर कंसल्टेंट, दैट इज़ माई सजेशन. वो कुछ भी, हम इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, वो कुछ भी बोलते हम मान लेते हैं. नहीं, मैं बताती हूँ आपको, उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना उन लोग को होगा जो आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं. तो आपके साथ आपका एक ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, नहीं है तो फेसबुक पे जाओ और देखो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जेटर 2023 इनटेक, ऐसे सर्च करो, आपको बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे और हर यूनिवर्सिटी के मिल जाएंगे, ठीक है. वो करके आपको वो ग्रुप में आना है और उसमें लोगों से कनेक्ट करो. जितने लोगों से आप कनेक्ट करोगे उतने फ़ायदे में रहोगे. कनेक्ट करो, उनसे बात करो. अगर आप कंफ्यूज हो उनको पूछो, आप क्यों यूनिवर्सिटी एग्जिटर में जा रहे हो, आप क्यों बिजनेस एनालिटिक्स कर रहे हो, दे माइट हैव डन देयर रिसर्च. उनके पास हो सकता है आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, तो उनसे नॉलेज लो. आप अगेन कनेक्ट विद अल्यूमनाइज, कनेक्ट विद दीज पीपल जो आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं. इज वेर माई 5 फैक्टर्स, सजेशंस, टिप्स, जो भी मानना चाहो मानो, लेकिन ये फॉलो कर लोगे तो आप पक्का करेक्ट यूनिवर्सिटी चूज करोगे फॉर श्योर. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. कुछ भी थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अगर आप यूके आ रहे हो, आपके फ्रेंड्स आपके ग्रुप में शेयर करो, सबको हेल्प करो, वो आपकी हेल्प करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.